इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट प्लेस होल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कितने तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट प्लेस होल्डर दो तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं, रैंड और लोरेम। अब हम दोनों तरीकों को एक एक करके देखते हैं। पहले हम रैंड की मदद से टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, इक्वल टू RAND रैंड लेफ्ट पैरेंथेसिस, उसके बाद हम लिखते हैं 5 3 राइट पैरेंथेसिस। अब इसमें 5 और 3 क्या है? 5 हमारे पास नंबर ऑफ पैराग्राफ है। हम जो टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें कितने पैराग्राफ हों, मैंने 5 किए हैं, आप कोई भी कर सकते हैं, एक से लेकर जितना आपको जरूरत है उतने क्रिएट कर सकते हैं। और 3 जो है कि हर पैराग्राफ में कितने सेंटेंस हों, मैंने सिलेक्ट किया है कि मेरे पास 5 पैराग्राफ हों और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंस हों। मैं इंटर कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 5 पैराग्राफ आ चुके हैं और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंस हैं, आप चेक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट प्लेस होल्डर क्रिएट करने का दूसरा तरीका यह है कि हम लोरेम की मदद से करते हैं, इक्वल टू LOREM लोरेम लेफ्ट पैरेंथेसिस, नंबर ऑफ पैराग्राफ में कहता हूं अभी 3 हो, कॉमा, और हर पैराग्राफ में 6 सेंटेंस हो, राइट पैरेंथेसिस, इंटर। ये मेरे पास यहां से नीचे लोरेम है, आप देख सकते हैं 3 पैराग्राफ हैं और हर पैराग्राफ में 6 सेंटेंस हैं। ये पहला सेंटेंस यहां पे, ये इतालवी जबान में होता है इसलिए थोड़ा समझ नहीं आता, ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, उसके बाद ये तीसरा सेंटेंस, ये चौथा सेंटेंस, ये पांचवा सेंटेंस और ये छठा सेंटेंस। इस वीडियो में आपने सीखा कि हम टेक्स्ट प्लेस होल्डर कैसे क्रिएट करते हैं और कितने तरीकों से क्रिएट करते हैं। ये भी सवाल पैदा होता है कि हम टेक्स्ट प्लेस होल्डर क्रिएट क्यों करते हैं। जब भी आपने कोई काम सीखना हो तो उसके लिए आपको डमी टेक्स्ट चाहिए होता है जिस पर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकें, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में टेक्स्ट प्लेस होल्डर क्रिएट करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।